हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव डिज़ाइन। आज इस वीडियो में बनाने वाली हूँ डिज़ाइनर स्लीव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है। इस साइड से जितना आपका शोल्डर होगा उसे आपने 1.5 इंच ज़्यादा लेना है और इस साइड से लेंथ रखनी है। तो 12 इंच में लेंथ ले रही हूँ। जितनी आपको लेंथ तैयार चाहिए उसमें आपने 1 इंच ऐड करना है। ऊपर से नीचे अब हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आपके शोल्डर का निशान आएगा और इस तरीके के शेप दे देंगे हम। यहाँ से आर्म होल, जितना आपका आर्म होल होगा उसमें आपने 1/2 इंच ऐड करके यहाँ पे निशान लगाना है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। सेंटर पे एक छोटा सा कट लगाने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके की शेप देंगे नीचे की ओर। ऊपर वाले दो पल्लों को लेके उनके ऊपर हमने इस निशान के ऊपर कटिंग करनी है। तो ये हमने ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, अब हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने निशान लगा रही हूँ। इन निशान लगाए हुए साइड्स पर ही हमने डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि हमने कटिंग्स की है वो डार्ट डाली है, तो वो डार्ट एक ही साइड पर ना आ जाए जहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए हमने ये निशान लगा दिए। तो अब मैं ये इनर नेट का कपड़ा ले रही हूँ, इनर के ऊपर रखूँगी इसे इस तरीके से। ऊपर वाले ये फूल जो है वो सेंटर पे आएंगे और कटिंग कर दूँगी। अभी आप ये मत सोचना कि साइड पे नेट आई नहीं है, वो हमें वहाँ पे चाहिए ही नहीं, उसके ऊपर हम अलग से डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ऐसे मैंने आधे कपड़े के लिए नेट का कपड़ा कट कर दिया है। दूसरी साइड जो यहाँ पर हमारी नेट नहीं आ रही, वहाँ पर हमने ये प्लेन वाली नेट यूज़ करनी है। ये नेट मैं सेंटर से हाफ़ कर दूंगी, कट कर दूंगी, दोनों स्लीव्स के लिए अलग अलग कर दूँ ताकि बराबर कपड़ा दोनों स्लीव्स के लिए यूज़ हो। तो ये कटिंग करती सेंटर से। अभी एक हिस्से को मैं लूँगी और उसकी यहाँ पे डिज़ाइनिंग करूँगी। इसे थोड़ा तिरछा करके रखना, हमें सीधा नहीं रखना। नीचे की साइड में 5.5 पे निशान लगाने वाली हूँ। ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर नेट हमारी ख़त्म हो रही है, वहाँ पर रखी है मैंने ये वाली नेट, और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो ये सिंपल हमने सिलाई लगाई है सबसे पहले, और अब कपड़े को दूसरी तरफ फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब हमने धीरे धीरे से हल्का हल्का कपड़ा लेना है और इसके ऊपर प्लीट्स बनानी है। जैसे हम सिंपल हाथ के साथ फ्रॉक पे प्लीट्स डालते हैं या फिर सलवार के ऊपर प्लीट्स डालते हैं, ऐसे ही हमने प्लीट्स डाल दें। पर ये प्लीट यहाँ पे एक ख़त्म होगा, दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने, एक के ख़त्म होने की वेट करनी है। तो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, वहाँ पर हमने दूसरी प्लीट को रखा है और पिन के साथ सिक्योर किया है। पहले हम सारी प्लीट्स बना लेंगे, पिन्स के साथ सिक्योर करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये थर्ड वाली प्लीट तैयार कर रही हूँ मैं। तो सेम हमने सारे ऐसे ही बनाने हैं जितना कपड़ा है आपके पास। तो मैं टोटल 6 प्लीट्स बनाने वाली हूँ इसके ऊपर। एक्स्ट्रा कपड़े की हम बाद में कटिंग कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने प्लीट्स बना दिए हैं। ऊपर वाली साइड पे हमने सिलाई लगानी है यहाँ पे, और नीचे वाली साइड पे 1/2 इंच पे हमने पहले निशान लगाना है और उसके ऊपर हमने अलग से कपड़ा लगाना है। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं ऊपर वाली साइड पे। ऊपर हमने सिलाई लगा दी है, नीचे वाली साइड से ये कपड़ा ऊपर करेंगे जो एक्स्ट्रा वाला है। यहाँ से हम थोड़ी सी सिलाई खोल के इसे ऊपर कर देते हैं। अब हमने नीचे यहाँ पर ऐसे तरीके से कपड़े को लेना है, चौड़े कपड़े को, और इसके ऊपर रखना है। यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। दूसरा ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है इसकी साइड्स को हमने फोल्ड करना है। यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है थोड़ा थोड़ा कपड़े को, यहाँ से भी करना है। तो अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, ये कपड़े को भी फोल्ड कर दिया है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग कर दी, दूसरी स्लीव का भी हमने यहाँ तक काम कर दिया है। अभी इस कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है, डबल करके इसे ऐसे आगे की ओर लेके जाना है और एक्स्ट्रा कपड़े को
पीछे की ओर फोल्ड करके यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है। तो अगर ये डबल कर देंगे तो नीचे वाला कपड़ा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अभी हमने नीचे यहाँ पे भी सिलाई लगानी है ताकि ये प्लीट्स नीचे से भी फिक्स हो जाए। जैसे यहाँ पे लगाई हुई है मैंने इस स्लीव के ऊपर, तो ये प्लीट्स फिक्स हो गई हैं, अब हिलेंगी नहीं। अब इस तरीके की एक मोतियों वाली डोरी लेंगे, लैस लेंगे हम, और इसे हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके कपड़े के ऊपर, सॉरी कपड़े के नीचे वाली साइड पे रख के हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए डोरी भी लगा दी हमने, इसके साथ ही हमारे स्लीव्स रेडी हैं, बिल्कुल प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। ये देखिए अब इसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं, फिटिंग कर देते हैं स्लीव्स की। ऊपर वाली साइड से जितना आपका शोल्डर होगा, जितना आपने रखा था पहले डिसाइड किया था, वो हम निशान लगाएंगे। अब 6.5 इंच पर लगा लूँ मैं। यहाँ से हमने आर्म होल जितना लेना है वो निशान लगाएंगे, इन निशानों को आपस में मिला देंगे और यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। जब हम अपनी स्लीव को सीधा करेंगे सिलाई लगाने के बाद, तो इस तरीके का डिज़ाइन हमारी स्लीव का तैयार होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।